हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूजी का ढोकला बनाएंगे। ये बड़ी आसानी से बन जाता है और इसे बनाने में तेल भी बहुत कम लगता है, लेकिन स्वाद में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये बारीक सूजी ली है, ये मैं 4 कप ले लेती हूँ। ये मैंने 4 कप सूजी ले ली है। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है, मिला देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ में पानी नहीं डालना है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। 4 कप सूजी में मैंने 1 कप दही लिया है और 3 कप पानी डाले हैं। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मिला देंगे। देखिए, हमारा बैटर कुछ इस तरह से रहेगा। ये मैंने हरी मिर्च और अदरक का क्रश कर लिया है, इसे मिला देते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार है। अभी इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। ये देखिए, 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, मैंने मिला दिया है, ये फूल गया है अच्छी तरह से। पानी अगर आपको कम लगता हो तो थोड़ा पानी और डाल दीजिएगा। मैंने ये 1/2 कप पानी और डाल दिया है। इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह मिला दें। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। इसे अब हम अच्छी तरह से 5 मिनट तक हम इसे एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, और इसी तरह से मिलाना है। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और हमारा बैटर इस तरह से तैयार हो गया है। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम एक थाली को तेल लगाकर चिकना कर देंगे। ये देखिए, मैंने चिकना कर दिया है थाली को। अब हम बैटर को इसके अंदर डाल देंगे। ये थोड़ा सा टैप कर देते हैं। ये मैंने पानी एक बर्तन में उबलने के लिए रख दिया था। आप इसे संभाल कर इसके अंदर इस थाली को रख दें और इसे 20 मिनट तक पकने के लिए कवर कर दें। देखिए, 20 मिनट हो गया है। अब मैं नाइफ की मदद से इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, मेरा नाइफ एकदम साफ निकला है, तो हमारा ढोकला तैयार हो गया है। इसे हम संभाल के बाहर निकाल लेते हैं और 5 मिनट बाद इसे हम ठंडा होने के बाद इस तरह से नाइफ की मदद से निकाल देंगे। ये एक थाली लेके इसे इस तरफ से उल्टा कर दें और इस तरफ से ट्रैप करें। ये देखिए, हमारा ढोकला अच्छी तरह से निकल गया है। इसे मैंने बड़े बड़े पीस में काट लिया है, आप चाहें तो छोटे पीसेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये कितना स्पॉन्जी है। ये हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। अब हम ढोकले में तड़का लगाएंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच ऑयल लिया है। तेल गरम हो गया है। 1 टेबलस्पून मैंने राई डाल दी है। हरी मिर्च कटी हुई डाल दें। कड़ी पत्ता डाल दें।
और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम सफेद तिल डालेंगे एक चम्मच। इसे हम ढोकले के ऊपर इस तरह से फैला देते हैं। हमारा ढोकला बनके अच्छी तरह तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, तो इस तरह से आप ढोकला घर पर ट्राई करें। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे, इसे हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इस तरह से आप घर पर ढोकला तैयार करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।